नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मेश सिन्हा। दीपावली के चलते बाजार में अभी से रौनक दिखने लगी है। दीपावली को दीपों का पर्व कहा जाता है। इस पर्व में मिट्टी के दिए का अपना ही महत्व है और इसे बनाने वाले कुम्हारों को दीपावली पर लाखों दियों के ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे इन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ। दिए बनाने का काम जोरों शोरों पर है। महिलाएं भी इस काम में अपने परिवार का हाथ बटा रही हैं। टीएनपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन कुम्हारों से बात की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हर जगह लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोगों ने दीपावली की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। घरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। व्हाइट वॉश कर घर को नया लुक दिया जा रहा है। महालक्ष्मी के स्वागत के लिए हर कोई मिशन मोड में लगा हुआ है। बाजारों में अभी से साज सजावट के सामान मिलने लगे हैं। इस त्योहार में दियों का विशेष महत्व होता है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस पर्व में देश भर में करोड़ों दिए जलाए जाते हैं। बाजारों में तरह तरह के दिए आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज हम आपको नगर महानगरों के बाजारों की चकाचौंध से दूर भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां गांवों में दिन रात कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में लगे हुए हैं। महिलाएं और लड़कियों भी दिए बनाने में परिवार का सहयोग कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि दीपावली का पर्व है जब उनके काम की कीमत बढ़ जाती है। उनका कहना है कि यही दीपावली का पर्व है जब उनके काम की कीमत बढ़ जाती है और इसी सीजन में उन्हें रोजगार मिल पाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि मिट्टी के दाम बढ़े हैं, लेकिन बाजार में दियों की कीमत वही है। वहीं बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर भी कुम्हारों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि यहाँ दिए काजल पालने और बर्तन सहित चौमुखी दियों का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ बनाए गए दिए काशी के साथ साथ गोरखपुर और आसपास के जिलों में जाते हैं। टीएनपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन कुम्हारों से बातचीत की और जाना कि इन कारीगरों को दिए निर्माण में क्या परेशानी आ रही है और ये कारीगर किस तरह से मिट्टी के दियों का निर्माण करते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है, ऐसे में काशी में किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और कुम्हारों के लिए ये बड़ा ही सुनहरा पल होता है और इसका बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन काशी में किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनते हैं और कौन कौन से मतलब बर्तन बनते हैं, उसके लिए हम पहुँचे हैं कुम्हार के यहाँ। और देखिए किस तरीके से ये घर पे पहुँचे हैं हम और किस तरीके से मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और ये किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी के बर्तन को आकार दिया जा रहा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये इसको मिट्टी के बर्तन में एक घंटी कही जाती है जिसमें काजल पाला जाता है। और देखिए किस तरीके से घर की महिलाएं बच्चे या एक साथ होकर के अपने घर के गार्जियन का हाथ बटाते हैं और कुछ बच्चियां यहाँ पर बना रही हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये क्या बना रही हैं। क्या बना रही हैं? घंटी। घंटी, ये घंटी किस काम में आती है? काजल पालने। काजल पालने के। और आप लोग कैसे इसको कर पाते हैं? भट्टी में पका जाई भी लगी। अभी इसको बना रहे हैं, भट्टी में पकाएंगे? अभी सुखा के चल लगी। बेटा आप भी यहाँ पर काम कर रही हो, किस क्लास में आप पढ़ती हो और किस तरीके से घर के गार्जियन का आप हाथ बटा रही? कौन से क्लास में आप पढ़ती हो? मैं तो 11th क्लास में हूँ और पढ़ाई के साथ साथ घर के काम काज में भी हाथ बटाती हूँ। माँ बाप से। माँ बाप से ये घर की चीजें है। कितने दिन से आप ये कर रही हो? तो हम लोग छोटे से ही थे तो ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल, जो ये कुम्हार के बच्चे हैं ये बचपन से ही अपने गार्जियनों के साथ किस तरीके से हाथ बटा रहे हैं और उनके हाथों में यह हुनर काफ़ी है। लेकिन काशी की जो बेटियां एक छाप छोड़ती हैं वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वो खुद
सेल्फ डिफेंस भी होती जा रही है, कहीं कहीं ये हुनर आगे चलकर उन्हें काम देगा। और ये किस तरीके से देखिए, इनके यहाँ आंगन में ये मिट्टी के बर्तन अभी थोड़ा गीले हैं, इसको सुखाया जाएगा, दीपावली तक आते आते ये पूरी तरीके से पक करके तैयार हो जाएंगे। और सामने देखिए किस तरीके से चाक पर ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। और ये किस तरीके से बर्तन यहाँ पर अभी किया जा रहा है, समय कम है, कैसे इसको पका पाएंगे, बड़ी चुनौतियाँ होती है, त्यौहार का समय है, इस त्यौहार के समय पर वो कैसे इन सबको चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं उनसे जान लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। सुरेश जी, ये क्या बना रहे हैं आप? ये घड़िया बना रहे हैं। घड़िया बना रहे हैं जी। क्या दीपावली पे इसकी भी खींच होती है जी? क्या ये अमावसी घड़िया बोला जाता है? अमावसी जी। ये पूजा पाठ में यूज होता है, हर दिवाली पर हर घर में जाता है ये। समय कम बचा है, कैसे मैनेज हो पाएगा? अभी सूखने में भी समय लगेगा, तो सारी चीजें समय पर तैयार हो जाएगा। क्या इस बार मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ी है? जी जी, डिमांड बढ़ी है। कैसे सैकड़ों के लिए जाते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल है, तमाम चीज़ें कैसे कर पाते हैं? यहाँ तो हम लोग घर पे ही देते हैं, जो थोक व्यापारी हैं ले जाते हैं यहाँ से, और 40 रुपया सैकड़ी देते हैं ये, उसके बाद वो अपना 50, 55, 60 जैसे बेच पाते हैं वो बेच देते हैं मार्केट में। ये अभी आपने क्या बनाया, वो बड़ा सा पूर्वा कर दिखा है, वो चौमुख है, चार मुख वाला दिया है, वो कौन से काम में आता है? कुछ हर लक्ष्मी पूजा जब होता है तो उसे चार मुंह वाला दिया लगाते हैं, चार मुंह में चार दिया जलता है उसमें। बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ आकार दिया गया है, ये दिखाएंगे आपको। ये है जो लक्ष्मी पूजन के समय ये काम में आता है, और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। कैसे मिट्टी आप लोगों को मिल पाती है, शहर के पास आप बसे हैं, कैसे मिट्टी आती है, क्या मिट्टी को कैसे खरीदते हैं, क्या भाव में मिलती है मिट्टी? सर बहुत महंगा हो गया है, पहले देता था 2,500 रुपया ट्रैक्टर गिर जाता था, अब बहुत परेशानी से गिर रहा है, मांग रहे हैं आधार कार्ड, मांग रहे हैं मिट्टी का कारोबार कर रहे हैं तो आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो मिट्टी लेके आ रहा है, और ये भी एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर आधार कार्ड पर मिट्टी गिरा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, पुलिस लोग पकड़ लेते हैं, नहीं गिरने देते हैं, तो 5,000 बढ़ा दिया है मिट्टी का दाम, 4,500-5,000 मांग रहा है, पहले 2,500 लेता था साल भर पहले, अब 5,000 रुपया डायरेक्ट मांग रहा है मिट्टी का। अगर बात करें बर्तनों की, अगर हम बात करें तो जब से योगी सरकार बनी हुई है, क्या मिट्टी के बर्तनों की डिमांड मार्केट में बढ़ी? नहीं, पहले ही इतना है, जितना पहले था उतना ही है, बढ़ा भी है, जो ग्राहक थे बेचने वाले वो भी थोड़ा बहुत, जैसे पहले 10,000 लेते थे 12,000 मांग रहे हैं, मिट्टी का कारोबार में उनकी बढ़ोतरी है, थोड़ा बहुत बढ़ी है, ये बात नहीं है, लेकिन अगर कि मिट्टी से हम लोग को परेशानी थोड़ा बढ़ गई है ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने आप लोगों पे विशेष ध्यान दिया, आप लोगों के लिए आधुनिक उपकरण भी दिया उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए बात की, तो क्या पहले की अपेक्षा आप बर्तनों की, जो मिट्टी के, चाहे पूर्वे की बात कर ले, चाहे घड़े की बात कर ले, इस सब चीज़ों की क्या बढ़ी है अब? बढ़ी है, चाहे पूर्वा जो पूर्वा बनता है वो भी डिमांड है, उसका भी लस्सी उस्सी का जो पूर्वा बनता है बड़ा, आधा सेरी है, 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, वो भी डिमांड है, उसका झूरा में उसका खपत ज़्यादा रहता है, लस्सी उसी का पूर्वा जो बनता है उसका भी डिमांड रहता है, वो भी मांग करते हैं, वो भी रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन उसका मिट्टी उट्टी का कोयला अलग दाम बढ़ गया, लेकिन दुकान पर रेट नहीं बढ़ा है उसका। तो तमाम ऐसी जो छोटे छोटे बर्तनों के आकार दिए जा रहे हैं, लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, मार्केट में जब ये जाती है तो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन किस तरीके से, क्या कुम्हारों की आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, क्या अब मिट्टी के बर्तनों की खींच जो मार्केट में हो रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये खुद ही बताएंगे। जब उनकी खपत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक वो जो चीज़ें होती हैं कि वो बढ़ने के कगार पे, लेकिन जानते क्या इस बार दीपावली पे मिट्टी के बर्तनों की खींच ज़्यादा? साल से 2,200-2,400-2,500 रुपया आ रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान है, कुम्हार बस्ती वाले बहुत ज़्यादा परेशान है इसमें। परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, क्या यही इनकम है या फिर कोई और भी आप लोग? नहीं नहीं, और तो इनकम नहीं है, कोई सिर्फ यही है, इसी में मतलब थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दीपावली पे कौन कौन से मिट्टी के बर्तनों की ज़्यादा इस बार खींच है? इस बार तो मान लीजिए मिला जुला कर दिए का इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड है, और खींच भी ज़्यादा है इस बार, मतलब थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा महंगा बिक रहा है, इसी में थोड़ा सा हम लोग को कमाई धमाई हो जा रहा है, नहीं तो फिर तो उसके बाद बेकार ही है हम लोग है। दीपावली पे कौन कौन से बर्तन होते हैं जिनकी खींच होती है, दिए के अलावा कौन कौन सी? दिए के अलावा जैसे कि चौमुखी हो गया, परई हो गया, घरिया हो गया, और घंटी उंटी, ये सब वगैरह वगैरह लेकर मतलब कि ज़्यादा डिमांड है इस बार। कैसे आप लोग इसको बना पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि समय कम है, अभी देख रहे हैं कि आपके आंगन में ही पड़ी। बात तो सही है कि इस बार मौसम भी बहुत गड़बड़ चला है, इसी में अपना
मैनेज कर रहे हैं अपना थोड़ा बहुत अपना इसी में ले देकर। क्या आधुनिक यंत्र भी कुछ इस्तेमाल करते हैं या फिर हाथ से ही बनाते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ हाथ से ही, हाथ से। प्रधानमंत्री तरफ से मिला है मशीन, थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा मैनेज हो जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो मशीन मिली है, हाँ। तो उससे आप लोगों को कारगर साबित हो रहा है? हाँ, कारगर साबित हो रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, मटेरियल ज़्यादा बन रहा है उससे। हाँ, उससे ज़्यादा बन रहा है। बन रही होगी तो इनकम भी बढ़ रहा होगा। हाँ, इनकम बढ़ा, मगर उतना नहीं बढ़ा है ना। पिछले साल की अपेक्षा कितना पिछले साल की अपेक्षा कम से कम 20% बढ़ा है। 20% बढ़ा है, इससे राहत है आप लोग? हाँ, राहत है। समस्या क्या मूलभूत आ रही है आप लोग? मूल समस्या यही कि थोड़ा सा बिजली पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है बिजली। ये दिया आपकी कहाँ कहाँ तक जाती है? ये दिया गोरखपुर तक जाती है। गोरखपुर, अयोध्या में सब में? नहीं, अयोध्या में जाती है, मगर यहाँ से नहीं जाती है, कहीं और से जाता है। जब हम दूसरे घर पे पहुँचे तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखा गया कि मिट्टी के बर्तन जो है वो जोरों शोर पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दीपावली का समय जो है वो बेहद करीब आ चुका है। समय कम है, काम ज़्यादा है, और किस तरीके से मिट्टी के वो बर्तन जिनको अंतिम मूर्त दिया जा रहा है उनके आकार को निकाला जा रहा है, और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बना रहे हैं। ये भाई साहब क्या क्या बना रहे हैं इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन कौन से वो दिए बना रहे हैं, कौन कौन से मिट्टी के वो बर्तन हैं, कौन कौन से मिट्टी के बर्तनों की इस बार दीपावली पर खास डिमांड रहने वाली है। दिया है, दियली है, और बढ़ियार है, घंटी घड़िया है, चारमुखी दिया है, यही सब बनाते हैं हम लोग। जो चौमुखी दिया है वो किस पे काम आते हैं? वो आता है छोटी दीपावली को, बजरंग बली का चारमुखी का दिया बरता है ना, बजरंग बली का चारों दिशा में मुंह रहता है, जो चारों दिशा में कोई बजरंग बली कहते हैं, कोई हनुमान कहते हैं, इसलिए वो चारमुखी दिया बारा जाता है घूरे पर, चारमुखी के चारों दिशा में करके बारा जाता है उसको, इसलिए उसका डिमांड रहता है ज़्यादा। जो की तरह है, जो ये जो है ये तो आता है भाई दूज पे आता है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है उस पर बारा जाता है। यानी आप लोग खास चीजों पे ध्यान दिए रहते हैं कि कौन कौन? हाँ, दीपावली पर हम लोग का खास ध्यान रहता है, दीपावली पर आता है तो पैसा कमाते हैं, मिट्टी का कारोबार है। कैसे सैकड़े जाती होगी, क्या उससे गुजर बसर हो जाती होगी? यही 40-50 रुपया सैकड़े दिया जाता है। ग्वालिन कैसे जाती है? ग्वालिन वही 10 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया जैसे है पर पीस। हाँ, पर पीस जाती है। क्या इसकी खपत अच्छी खासी हो जाती है दीपावली के समय? हाँ हाँ, अच्छी खपत होती है। तो दीपावली में इस बार बेहद क्या खास है आप लोगों की? कुछ मिट्टी के जो कुछ ऐसे बर्तन हो जो मार्केट में धूम मचा रही हो या फिर मार्केट की डिमांड ज़्यादा हो? मार्केट में यही सबसे अधिक डिमांड यही है, दिया का, दियली का यही डिमांड रहता है। पूजा उजा करते हैं, दिया का ज़्यादा मांग रहता है। बीबी उबी तो अभी वो भी डिमांड रहता है, बिना बीबी का लक्ष्मी आई के लग के पूजा होता नहीं है। ग्वालिन जो बनता है लक्ष्मी आई के लग के रख के उसको बारा जाता है, पूजा किया जाता है, छठ पूजा पर भी लगता है ग्वालिन बीबी सब, वो भी चलता है। यही बहाने दीपावली पर सब खरीदारी कर लेते हैं, छठ पूजा का दिया भी आता है, छठ दिया रहता है, परे पर जोड़ा रहता है। तो मिट्टी के जो बर्तन है क्या कुछ उसको अलग से आकार इस बार आप दे रहे हैं कि वैसे ही? नहीं, वही सब पुराना ही मॉडल है, नया आकार नभी नहीं, कोई डिमांड नहीं नया का, बस वही सब पुराना ही मॉडल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर दीपावली की अगर हम बात करें तो दीपावली पर बेहद खास रखा जाता है। जिस चौमुखी दिए की बात कर रहे हैं वो छोटी दीपावली के समय बजरंग बली की पूजा होती है, जो चौमुखी बजरंग बली होते हैं उनके लिए खास तौर से दिए बनाए जाते हैं, और बीबी जो है लक्ष्मी की पूजन के साथ होती है। तो यानी कि दीपावली के समय हर दिन खास होता है, हर दिन के हिसाब से काशी में मिट्टी के बर्तन बनते हैं जो देश के लिए एक नज़ीर साबित हो रहे हैं। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।